एक तरफ है हांगकांग और सामने है इंडिया सॉन्ग। जब सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने तो नजाकत खान ने सही कॉल किया खान साहब कि हांगकांग ने जीता ये टॉस। टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया। केएल राहुल रोहित शर्मा ये दोनों लव रहा छेड़ते अच्छे हैं सुर, पिछले मैच में नहीं छेड़े थे लेकिन आप कुछ करना होगा। हारून के हाथ में नई गेंद है, रोहित शर्मा पहली गेंद पे पहला रन। 3500 T20 अंतरराष्ट्रीय रन। ये कदमों का किया इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड 6 रन रोहित शर्मा रो सुपर हिट शर्मा। तो मिड विकेट के ऊपर से गई गेंद हवाई यात्रा पर 6 रन। कीपर ऊपर आए तो थे लेकिन गेंद को बड़ा पीछे भेजा है। इस चौके के साथ इस ओवर में आ गए हैं 22 रन। रोहित शर्मा शॉट को क्रिएट किया, ये अच्छे से आई नहीं है बैट पे गेंद, आगे की तरफ मिड ऑन ने गलती नहीं की, खुशी का कोई ठिकाना नहीं इस समय। एजाज थे फील्डर लेकिन ये एहसास पूरी हांगकांग टीम को है कि ये विकेट कितनी बड़ी थी। रोहित शर्मा की इनिंग हुई समाप्त, 21 बनाए भारत 38 पे। मैदान पे अब विराट कोहली, रन्स मिलेंगे दो आसानी से मिलेंगे विराट कोहली को, 50 का आंकड़ा पार किया भारत ने। आगे निकले थे केएल राहुल, बहुत अच्छा एफर्ट फील्ड में भी, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ा केएल राहुल को शॉट में। पिकअप और सीधा स्टैंड्स में डिलीवर, वो हाथ लगाया हाफ अ चांस आप कहेंगे, बहुत तेज लगाया था शॉट लेकिन जब हाथ लगाया तो मे बी हाफ अ चांस। इस बार कोई मौका नहीं, पिछली बार अगर थोड़ा सा भी मौका था इस पे तो बिल्कुल कोई मौका नहीं और मिलेंगे 4 रन। ये गेंद थोड़ी ऊपर पड़ी और जो डिजर्व करती थी वही ट्रीटमेंट मिली विराट कोहली के बैट से। बेहतरीन शॉट यहां पर विराट कोहली का। केएल राहुल अक्रॉस खेलना चाहते थे लेकिन आवाज आई गजनफर के लिए, ये सफलता केएल राहुल। दो बड़े शॉट्स आए थे लेकिन उसके इर्द गिर्द काफी गेंदों ने परेशान किया था और यहां पारी हुई है समाप्त। 40 गेंदों में आए 36 रन केएल राहुल के, भारत 13 ओवर के बाद 94 पे 2। ये 4 पे बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव, स्वीप शॉट पसंदीदा शॉट और एकदम गैप में। एक बार फिर से स्वीप शॉट लगाया, थोड़ा एरियल रूट लेकिन फाइनली का फील्डर सर्कल के अंदर बैक टू बैक बाउंड्रीज। खराब फील्डिंग यहां पर, जी नाखुश होंगे। स्लो बॉल डाउन द ट्रैक कड़क शॉट, में जब विराट कोहली होते हैं तो ये शॉट बहुत खूबसूरती से खेलते हैं। अलग है खिलाड़ी, अलग है वर्चकला सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव खेलते नहीं, सूर्य कुमार यादव फिर खिलवाड़ करते हैं। क्लास जबरदस्त, इस ओवर की तलाश थी। ये ओवर कवर्स वन बाउंस इनटू द फेंस। ये देखिए ये इनकी है गजब की बैटिंग, फास्ट बॉलर जब देखते हैं तो पीछे रन बनाते हैं। ये वाइड होनी नहीं चाहिए ऐसे, इतनी पास से गई है कि वो मतलब आधा इंच और इधर होती तो वो स्टंप्स पे लग जाती। दोबारा देख लेते हैं, पैड पे लग के चली गई तो ये गलती शायद टीवी अंपायर देखे, तो मैंने देखा है कि उन्होंने कभी कभी बदला है निर्णय। व्हाट अ शॉट सूर्य कुमार, ये सूर्य नमस्कार।
क्या बड़े शॉट के साथ 50 पे पहुंचे ये गोली। जी नहीं, एक मिला है, दो मांगना चाहते हैं, दो की मांग की है, दो मिल जाएंगे। डाइव विराट कोहली, 31वां अर्धशतक है, बड़े लंबे अंतराल के बाद आया है। इंतजार का फल मीठा होता है कहते हैं, यहाँ फरवरी के बाद के इंतजार का फल एक अर्धशतक है हांगकांग के सामने। ये गई है, ये टाटा बाय बाय करके गई है, यहां कह सकते हैं आप कोहली का बल्ला माशाल्लाह। फुल टॉस, कवर्स के ऊपर से शॉट जाएगा आधा दर्जन रन के लिए। ये वैसे थी वाइडी लेकिन इस समय बहुत दूर गई है, ये खास पारी है, ये फैंस के दिल के पास पारी है। सूर्य कुमार यादव बन सके, एक और अर्धशतक जड़ दिया है T20 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूर्य ने। ये तो सारे घर के बदल दिए और एक बार फिर बाहर से मंगवा लीजिए क्योंकि गेंद को इस बार फिर वो टिमटिमाते हुए तारे में किया है तब्दील। चलिए अब उस तरफ छक्का खाएंगे आप, बिल्कुल विकेट के पीछे छक्का खाएंगे आप। नाम हारून है, सामने वाले बंदे का रन बनाने में महारत है। नहीं, यहां एक मिलेगा, वैसे इस गेंद पे दूसरा ट्राई जरूर करना चाहिए क्योंकि 20 ओवर की आखिरी गेंद। वेल डन विराट कोहली, ये हर 20 ओवर की आखिरी गेंद ऐसी ही होनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव कहते हैं वो आप सूर्य की चमक को थोड़ी देर के लिए ढक सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। टॉस जीता तो हांगकांग ने गेंदबाजी का किया फैसला, भारत को मैंने तो बना दिए 192, हांगकांग कर सकते हैं आप अपसेट अगर बनाए 193। नजाकत खान नजाकत छोड़ के थोड़ा सा आज अटैकिंग खेल भी खेल सकते हैं क्योंकि पिच उस अंदाज की है, अगर पहले 2-3 ओवर संभाल लिए तो। साथ में उनके मुर्तजा रहेंगे और सामने है भुवनेश्वर कुमार। अच्छी शुरुआत है, पिच अच्छी है, ये मारना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं और गई लेकिन देकर जाएगी चौका। बिल्कुल ऊपर की ये गेंद डालने का प्रयास किया था लेकिन थोड़ी पैरों की तरफ और ये मुर्तजा का अच्छा शॉट। ये शॉट गेंद, पुल का प्रयास, गेंद ऊपर, आवेश नीचे, बल्लेबाज बाहर, पहली सफलता। शॉर्ट बॉल है तो कर लीजिए उसका इस्तेमाल। जहां पे आउट हुए लेग साइड पे, बहुत बड़ा मैदान, पहला ब्रेक थ्रू हांगकांग के सामने, अर्शदीप के सामने। बाबर हयात 758 रन, स्ट्राइक रेट अच्छा है इनका। ये गजब शॉट है, ये सामने की तरफ, ये उड़ता हुआ शॉट है। आज का पहला छक्का हांगकांग की पारी का। ये ताकत भी है, बाबर हयात का ये ट्रेडमार्क है, बहुत तगड़ा। अर्शदीप वापिस पावर प्ले का आखिरी ओवर, लाइन खराब थी, राउंड द विकेट, गैप में है गेंद, क्विक आउट फील्ड और चेज में जीत जाएगी रोहित शर्मा से। इनफील्ड के ऊपर से दूर जरूर थी, रीच आउट किया नजाकत ने, फील्डर के पास ज्यादा नुकसान नहीं। रॉकेट आर्म आप बिल्कुल आलसी नहीं हो सकते। I can see that the bat is still out of the ground and the wheels are off. I'm ready to make my decision. नजरे हटी, दुर्घटना घटी, भारतीय क्रिकेट टीम का रॉकेट मैन निजामत खान 10 के स्कोर पर आउट, 51-2 हांगकांग, 633 रन। थोड़ा लेग साइड की तरफ ड्रिफ्ट किया, बहुत अच्छे से कंट्रोल करके खेला ये स्वीप शॉट चौके के लिए। थर्ड मैन इजी, आवेश खान के हाथ में चिपकी गेंद। हांगकांग बल्लेबाजी क्रम का सबसे ताकतवर बल्लेबाज हुआ है आउट। आउट हुए बाबर 41 पे, 74-3 हांगकांग। क्या भारी किनारे यहां पर, और 4 रन मिलेंगे। बेहतरीन शॉट यहां पर, कमाल का शॉट ये, भारी किनारा अर्शदीप के पहले गेंद पे,
उतनी बेहतरीन टाइमिंग तो नहीं, लेकिन अब प्लेयर को बीट किया सर्कल के भीतर और मिलेंगे चार। स्टंप्स पे सीधा, बड़े शॉट खेलने की कोशिश, दबाव में जरूर थे और इस बार एजाज ने मिस किया और हिट किया आदेश खान ने। जास खान ने बनाए 14 रन। जिशान अली ने बल्लेबाज, बाहरी किनारा, ओ मुश्किल कैच, लेकिन अपील किस लिए कर रहे थे? ऋषभ तो अपील कर रहे थे, डीआरएस ले लिया। I can see that there is a spike in ball next to the bat and there is no gap between bat and ball. So go back to on-field umpire. Ghazi, stay with your original decision. Stand by. You're on screen. Please signal. ये गेंद सिर्फ ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, नीचे आराम से, ओ, पकड़ लिया रवि बिश्नोई। स्लोअर गेंद भुवनेश्वर कुमार की, ऐसे मौके पे जहां रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच गया 27 पर, हर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की चेष्टा करनी ही चाहिए। रवि बिश्नोई जो सब्स्टिट्यूट फील्डर बोल के आए हैं, जगल किया मगर नजर रखी बॉल के ऊपर और कैच पकड़ लिया। किंचिच आउट हुए 30 पे, हांगकांग 116 पे 5। रविंद्र जाडेजा ने थ्रो मारा और आप वो क्रीज के बाहर हो और फिर भी आप अगर जीवित हैं तो फिर आज आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ये चीते की चाल, बाज की नजर और जड्डू के थ्रो पर कभी संदेह नहीं करते। फिर ये शॉट देखिए, फिर और अच्छा लगता है ये शॉट। वो पीछे फील्डर मौजूद है, कैच पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, एक और छक्का आया, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, थर्ड मैन के ऊपर से हार्ड लेंथ डालने की कोशिश कर रहे हैं मगर यहां फायदा उठाया। शॉट ये भी बड़ा कड़क है भाई, क्योंकि स्क्वेयर का फील्डर सर्कल में था और उसको बड़े अच्छे से खेला है। एक बार फिर ये शॉट है, एक और चौका है, 4 में 53 पड़े हैं आवेश खान को, 4 overs 53 runs। निकल गई गेंद, ये भी चौका है, ये जीशान के बल्ले से चौका है, एक और चौका है लीजिए, ये नाप नाप के, ये नाप तोल के, ये चौके में चौके मार रहे हैं। इस शॉट के साथ भारतीय टीम हैज क्वालिफाइड बीपी वर्ल्ड एशिया कप 2022 के सुपर फोर में भारत ने जगह बनाई, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। आज टॉस हारे थे, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया था, 192 रन बनाए मात्र 2 विकेट के नुकसान पर।